अस्सलामुअलैकुम। असाई टाइम फोन मनरू की एक झील है, मशहूर झील, झील सैफुल मलूक झील, क्योंकि ये फोन मनरू के झील ने चार चंद लगा दिते। तो इतना आए हैं अस डिठे से, दिल खुश थी पे। लोग इतना कश्ती के उत्ते बोटिंग करेंदे पैन, इंदो उत्ते चढ़े वदन, चक्कर चुक्कर लेंदे पैन। असा आए हैं, सारा दिल खुश थी पे। ये सारी गैदरिंग जरा ग्रुप है, माशाल्लाह ये जबरदस्त ग्रुप, ये भी सारे कट्ठे आ, इन्हें को काफ़ी सारी इंटरटेनमेंट भी है। ना पहला साल है इतना केर कश्तियाँ चलाया मैंने पैन, आज तो पहले इतना केर कश्ती कहना होंगी आई भला। इंदा जरा किराया है वही इंतहाई मुनासिब है, सिर्फ 50 रुपया फीस सवारी तक इंदे पैन। जेरा दोस्त बोटिंग करना चाहते हैं वो सारे कटे बोटिंग कर सकते हैं। ये जबरदस्त पैकेज है, सिर्फ 50 रुपये ना। आसी बारिश है, ये जबरदस्त बारिश है, मौसम बेहतरीन, ठंडा थी गया। हां ए अदे बलोच क्या है, क्या है ए के में दिखे ने ई दिखे ने ई। हां बलोच हां केनला जी बलोच साहब क्या है तू दूर में दे इने नाल क्या करी ने मामा इने नाल पहाड़ दा नजारा देख पहाड़ दा जा मुफ्त है आई में पैसे गिनदी 10 रुपए यार गिनदो 10 रुपए जा कितना अरसा दिखाने से डूडी मारा तरा नहीं मारा डूडी मारा क्यों डू तरा मिनट देखने से ये डू तरा मिनट दे 10 रुपए जा सारे नाल मुट्टा 50 रुपए सारे मार हां असा को ए दे जा असा तो 50 दे दे जा 50 दे दे वाला तू कितना गोला वाला आ मनी दे रे दे रे गिर जाते कुछ ही आवे से लाबे सु अच्छा हां चलो ठीक है देखो तो सही बलो इदा दूरबीन कितो करो चाली दे मरो ही तो तक तू कशरी सा हां खड़ो आ नजदीक थी आ बोटंग थी नी थी हां हां मसला का नहीं बाबा ये गन दा सा गियर गन सिस्टम चलता पे डार पर चराए सेंटर पे हां हजरा ये भी दिखा यार लोग निशानाबाजी करें दे पे एयर गन का इस्तेमाल ते नाल तीर का भी इस्तेमाल थी ना पे इतना 10 रुपए छर्रे का पैसे गिनने पैन बंदे यो करने पैन बंदूक इस्तेमाल करने पैन एयर गन इगो अलावा असा दे पे बोटिंग भी थी पे जी सब गुनो मशहूर जगह जी ना झील झील के उ बोटिंग थी पे ते आवाम जिम्मे दे पे काफ़ी सारा रश आवाम का माशाला सब विलाग असा उन्हें मानते हैं सारा अपना सोशल नेटवर्क है उन्हें मतलब इंटरनेशनल चैनल है उन्हें असा अपना है टोटल फोन मनरू की जना खूबसूरती के वीडियो बनने पे हैं मुख्तलिफ जगह गए हैं अस इं जा तो झील के उ अस बोटिंग डिठे से बोटिंग को देखते हूँ बाद ही तुरे को पुजे पे हैं कि जनाब होनी ने मालिक हैं जी बिल्कुल बस मैं तक दो साल बोटिंग शुरू किया सर्विस अच्छा। तख्ते सुलेमान बोटिंग सर्विस के नाते ये सारा बोटिंग सर्विस 50 रुपये सवारी तक गिनते हैं तो अगर पूरी बोट की बुकिंग करो फैमिली वास्ते कंपनसेशन है डूब वाले 50 गिन गिनते हैं अच्छा सर ये पानी कितना झीका है पानी एक 10-15 फुट है अगर खुदा ना खास्ता है बोट उपतरे मतलब उपतरीज पौंदी है ढह वेंदी है क्या इन विच एकदम आ देखो सारे के जिमे बोटिंग दी सर्विस ते जेरे सेफ्टी है सारे सेफ्टी मेजर सारे हैं पे सेफ्टी जैकेट्स हैं सारे जेरे ड्राइवर्स हैं वो भी अपना तराक जान देन उ साहब ना लेन ठीक है ना बाकी ऐसा एक्सपर्ट जेरे बिल्कुल मला जेरे तुस आदे ऐसा अपने चलावण वाले वो सन ड्राइवर रखे हो वो चलेन बाकी कुदरत एक एक कश्ती दे वेच मतलब है तकरीबन कितना सवार है तुसा चंदे वे ये 8 बंदे सवारी कश्ती नहीं वो दूजी चली गए 6 बंदे दिए नाजरीन जी मैं तुसा दे पवे बोटिंग दे वास्ते इने कनो मेजरमेंट हैं पे काफी सारे चीजा हैं लाइफ जैकेट दा इस्तेमाल भी इने कनो है पे अगर खुदा ना खास्ता ही ने पानी दे वेच कोई हादसा कोई मिसहैप थी वेने ते इने कनो मतलब काफी مقدار है लोग भी इथा इकट्ठे हैं पे जेरे स्विमिंग जान दे इकनो अलावा ये उन्हें को रेस्क्यू भी कर सकते हैं माशाल्लाह इन्हें को काफ़ी सारा इक्विपमेंट सामान वगैरह सारा कुछ है पिया सर शुक्रिया मेहरबानी दह 15 फुट जिका पानी है जिमें तुसा दे दे पवे कि जिस वेले झील का पानी बहुत ज़्यादा थी वेंदे उन्दे बाद इथो कनो ए फ्लो बनिया होया असी इथो पानी निकल वेंदे पानी अपना रस्ता इख्तियार कर वेंदे अगू ते निकल वेंदे एक नए दी सूरत इख्तियार कर वेंदे
ते अगर पानी क्योंकि साकू डसाने के तकरीबन 10 किलो 15 फुट जीका पानी है इतना। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खरीयत है? ठीक हो सही? क्या हाल है? डॉक्टर शाहनवाज खुश हां। डॉक्टर साहब केरे इलाके के नो ताल्लुक रख दो सही? मैं यारू खुश है गलो। यारू खुश है गनो माशाल्लाह। जनाब होनी डॉक्टर आफताब? डॉक्टर साहब माशाल्लाह दुहाई मेरे भिरा डॉक्टर साहब। जनाब होनी कितो ताल्लुक रख दे? मैं डीजी खान गलो यारू खुश हां। मतलब दुहाई ही के इलाके दे दो जवान ने। अच्छा सर कदा आया भाई था? इतना सा कुछ काफी टाइम से गया भैया। असा इतना तले कैप्टन डॉक्टर है, पाक आर्मी दे अंडर काम करे हैं। माशाल्लाह। ते ए जनाब होनी दी रिहाइश इथे है या इनो इलावा किथा होंदी? जे जे रिहाइश सारी इथे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इने दिसा क्वार्टर दिते हुए हैं, सारा सारे दी यार रिहाइश दा इंतजाम है, सारा कुछ है उठा ही है एयरफोर्स दे अंदर। आयो सर मैं सा को इथो दे थोड़े जी जना ए दसाओ मतलब तो को इथा एंटरटेनमेंट थींदी है क्योंकि तुम्हारी पोस्टिंग भी इथे है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाल है। इतना बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है, इतना तो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। इतना घूमन फिरन दे दूत रह जाई हैं, उथे अंदर इतना मौसम बड़ा अच्छा रहवे ने, काफी अच्छा एंजॉय थी वेंदे। इतो सब गनो ज्यादा बेस्ट पॉइंट जना विजिट दे लिहाज नाल के रहे तुम्हारी नजर में? सारी नजर या झील है, इंदे विच ए कश्तियां वगैरह हैं, और तो काफी ओ थी गई है, तरक्की थी गई है। इतना मतलब अच्छी सहूलियत हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। वैसे अच्छा डॉक्टर साहब तुसा रे सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू नाल वैसे जरा है ना मौसम दे लिहाज नाल अगर असा देखो तो ओ अनारी बहुत अच्छा है। उतो दा मौसम ऑलमोस्ट हर वेले अच्छा होंदा है। इत्ता के वेले मौसम जेले बादल वगैरह बणदे ने तो वाला मौसम इत्ता अच्छा बणवे दे, लेकिन जरा अनारी है ना उथा बेहतरीन होता है। इत्ता महसूस कीते दे सर असा इत्ता कर जिंदगी पहली और आखरी बार आए से वाला ना सोचो क्यों हम सो मतलब है के यो है पहली तो आखरी एक मुहावरा है। अच्छा पहली और आखरी बार दा पहली और आखिरी बार दा मतलब है भला ना ना नाम सुन इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। अच्छा माशाल्लाह बहुत मजा है। अलामा साहब तुसा क्या अक्सो बहुत बेहतरीन है सर। इमाम साहब कुन पूछो हजरत आला अलामा साहब मौलाना साहब तुसा सा को कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दसे सो इथो दे लिहाज नाल चाहना सर सॉरी तो को मजा आया नहीं आया ये दसे सो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ए तो को पसंद है या ना सिर्फ इतना रहा पसंद है? बहुत बहुत सर मेहरबानी सर शुक्रिया। लोकेशन ये बात है जरा है जिम्मे तुसा दे पे ये एक खूबसूरत तरीन बाग है। असा इन टाइम झील के नज़दीक है खूबसूरत तरीन बाग है। अगर मेरा कैमरा तो दिखेंदा पिया हो तो वह खूबसूरत फुल राधे खड़े हैं, उन्हें नाल काफ़ी अच्छा चीज़ हैं जिन फल मेवे जात भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम झील पर मौजूद हैं। आप झील के खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। चलो चलते हैं लोगों से उनके बारे में इस झील के जो मुताबिक जो व्यूज़ हैं वो लेते हैं। लोग बोट पर बोटिंग कर रहे हैं कश्ती पर, और ये एक सवारी का किराया 50 रुपये है। अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पर बोटिंग कर सकता है। अनवर खैर अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है? ठीक हो? झील आपको कैसी लग रही है? बहुत ही खूबसूरत। कैसा मनाज़र है इसका? यहाँ पर आकर कैसे आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है हमें। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है यहाँ के। आपने बोटिंग की है? जी नहीं, बोटिंग नहीं नहीं, बोटिंग अभी उसको कहा है, कश्ती वाला आ रहा है। अच्छा जी जी, ये देखें सब लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। आप भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ हम सिंध से आए हैं। अच्छा सिंध से, माशाल्लाह। जी जी सिंध से आए हैं, खास नालो मुझे नवीद से आए, नालो जो नवीद से सिंध से आए हैं भाई, बहुत दूर दूर से। ये रेरा गाजी खान ये
एक दूसरी मर्री है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर हुकूमत मिनी मर्री कहा जाता है, अगर हुकूमत यहाँ पर चाहे तो इससे ज़्यादा खर्च करके यहाँ से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी तरफ इस जगह के तौर पर खींचवा सकती है। तो ये भाई अब सब सिंध से हैं? जी जी सब सिंध से। अच्छा, ये सारे भाई सिंध से हैं। कहाँ से हैं भाई? हम घोटकी से। घोटकी? घोटकी रानीपुर के साथ है? नहीं नहीं, ये घोटकी तो पहला ही जिला है पंजाब के साथ। अच्छा, ये पंजाब के जिला साथ ये कश्मीर से आगे हैं सखर, वहाँ पर वहाँ से ये भाई आए हुए हैं। आप सिंधी में क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप ये पैगाम देगा हमारा वडेरा। अच्छा, होता है छाल अच्छा है सही दो बस। अच्छा, बुधाओ झील के बारे में। झील बहुत अच्छी, हम इंजॉय कर रहे हैं। सिंधी में बताए सुठी ॾाढी खूबसूरत आहे त इंजॉय करण जो घुटकियूं कयूं था। अच्छा, ऐं सुठी मन लॻे थी अचण में, ॾाढो ख़ुशि थियो। बरसाति बि आहे, मौसम थधी होॾे गरमाइश लॻी पई आहे। गरमाइश उते गरमाइश आहे तव्हांजे इलाइक़े? गर्मी बहुत। अच्छा, उते फिफ्टी टेम्परेचर आहे यहाँ पर, अगर कितनी फील हो रहा है आपको? न बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, इस वक्त हम झील के किनारे खड़े हैं, कुछ दोस्त हैं, उनसे हम पूछते हैं कि झील पर आकर उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का झील पर आपकर आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है दूसरे इलाकों में, यहाँ ठंड है इसलिए यहाँ आ जाते हैं। दो दिन की छुट्टी होती है, तीन दिन में। आपने बोटिंग की है यहाँ पर? बोटिंग अभी करनी है, वो बाकी है। अच्छा, आप फोर्ट मरुमे के बहुत सारे इलाके घूम विजिट करके आए हैं, तो यहाँ पर कैसा लगा आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पहले भी दो तीन मरतबा आ चुके हैं, अच्छा लगता है, इस बार इसलिए हर बार आते हैं। मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। चलो यार।